हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन। आप में से कुछ लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ लोग एमएड कर रहे हैं, कुछ लोग डीएलएड कर रहे हैं। तो आप सभी का एक सपना है कि फ्यूचर में आप अच्छे अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ। और हमें जाके वहाँ पे क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो एक टीचर को एक अच्छा टीचर बनाती है? वोट मेक्स अ गुड टीचर। कि टीचर तो जो स्कूल में पढ़ाने वाला है, हम हर किसी को टीचर तो हर कोई है, लेकिन कोई टीचर एक अच्छा टीचर कैसे बनता है? कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो उसे एक अच्छा टीचर बनाती है? और आप सबको भी फ्यूचर में जब आप स्कूल ज्वाइन करो, कॉलेज ज्वाइन करो, तो आप सबको भी एक अच्छा टीचर बनना है, ताकि बच्चे आपको देखें तो आपका एग्जाम्पल बाकी सबको दें कि देखो हमारे टीचर कितने अच्छे हैं और हमें भी फ्यूचर में ऐसा ही टीचर बनना है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम मैं जो जो पॉइंट्स आपको हम जिस पे बात करेंगे, तो वो सारी की सारी क्वालिटीज जो है आपको अपने अंदर लानी है, ताकि फ्यूचर में आप जब किसी कॉलेज स्कूल में जाएं तो आप एक टीचर ना बने, बल्कि आप एक अच्छे टीचर बने और आप अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने। किसी दूसरों का एग्जाम्पल ना देकर आप अपने अपने बच्चों के लिए आप खुद एक एग्जाम्पल बने। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि वॉट मेक्स अ गुड टीचर, कि एक अच्छा शिक्षक कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अ गुड टीचर इज समवन हु टीचिस नॉट ओनली विथ माइंड बट ऑल्सो विथ हार्ट, कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो न केवल दिमाग के साथ बल्कि दिल से भी सिखाता है। दिल से सिखाना मतलब जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को आप पढ़ाएं। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है जो सिर्फ दिमाग का ही नहीं बल्कि पढ़ाते समय दिल का इस्तेमाल करता है, दिल से पढ़ाता है, जिसमें आपका 101% आपका डेडिकेशन हो। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है जो ना केवल माइंड का यूज करे बल्कि माइंड के साथ साथ अपने दिल का भी इस्तेमाल करे। अ गुड टीचर स्माइल्स एट हिज पीपल इवन व्हेन दे स्क्रीम अप, कि एक अच्छा टीचर वो है जो अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को देखकर मुस्कुराता हो, और इवन जब उसके जो स्टूडेंट हैं टीचर के साथ ठीक से बिहेव ना करें, तब भी एक टीचर का काम है कि बच्चों की गलतियों को माफ करके उनके सामने एक स्माइल करें। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जो प्यार है इससे हम नफरत को खत्म कर सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर वो है कि जो बच्चों के गलत व्यवहार पे भी बच्चों को डांटे ना बल्कि बच्चों को माफ कर दे एक स्माइल के साथ। तो हमको भी ऐसा ही बनना है कि फ्यूचर में जब आपके बच्चे आपके साथ अगर मिसबिहेव करें तो कोई बात नहीं, आप एक टीचर हो, आप बच्चों को माफ कर दो और एक मुस्कुराहट के साथ माफ कर, ताकि उस बच्चों पर एक एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव असर हो कि मैंने टीचर के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया लेकिन फिर भी देखो उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला और माफ कर दिया। तो एक ऐसा टीचर बनना है हमें। अ गुड टीचर टीचिस नॉट ओनली टेक्स्ट बुक मटीरियल बट ऑल्सो द ट्रूथ दैट्स हैपनिंग आउटसाइड, कि एक अच्छा टीचर वो है जो सिर्फ बुक से ना पढ़ाए बल्कि दुनिया में जो हो रहा है वो चीजें भी बच्चों को बताए। तो बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ना देकर सोशली भी अवेयर कर, एक अच्छा शिक्षक वो है जो सिर्फ बुक के भरोसे ना रहे, एक्सपीरियंस से भी बच्चों को सिखाए। अ गुड टीचर डेडिकेट्स हिम हर सेल्फ टू द जॉब दे मेड अ कमिटमेंट देन दे हैव टू डू इट, एक अच्छा शिक्षक स्वयं को अपने कार्य के प्रति समर्पित करता है और प्रतिबद्ध रहता है, कि जिसका 101% डेडिकेशन उसके काम में हो, जो टीचिंग को एक जॉब ना समझकर उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, उसको हम कहेंगे एक अच्छा टीचर। अ गुड टीचर इनकरेजेस कोऑपरेशन एंड सेट्स एन एग्जाम्पल विद अदर स्टूडेंट एंड फैकल्टी, कि एक अच्छा शिक्षक सहयोग को बढ़ावा देता है और अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्वयं एक उदाहरण बनता है। तो एक अच्छा शिक्षक वो नहीं जो दूसरों का उदाहरण दे, एक अच्छा शिक्षक वो है जो खुद एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनकर सबके सामने खुद को पेश करे। तो हाँ, एक ऐसा शिक्षक बनना है।
अ गुड टीचर रिस्पेक्ट ऑल स्टूडेंट एंड एनकरेजेस गुड परफॉर्मेंस, कि एक अच्छा शिक्षक सभी विद्यार्थियों का सम्मान करता है और अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है। तो एक अच्छा टीचर कौन है? जो अपने सभी बच्चों को एक समान समझे, सभी को हमेशा इनकरेज करे, सभी की हमेशा रिस्पेक्ट करे, तो एक अच्छा शिक्षक हम उसे कहेंगे। अ गुड टीचर इज समवन हु मेक्स द पीपल जॉयफुल ड्यूरिंग लर्निंग इन द क्लास, कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो कक्षा में सीखने के दौरान विद्यार्थियों को हर्षित और सक्रिय रखता है, मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट बोरिंग नहीं होने देता, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बच्चे डरते नहीं है बल्कि खुशी खुशी चीजों को सीखते हैं। तो ये अपने क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखे, जहाँ पे कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, बच्चे खेल खेल में खुशी खुशी से चीजों को सीखें, बिना डरे शिक्षक से प्रश्न पूछ सके। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बच्चे खुशी खुशी चीजों को सीखें, बच्चे सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। अ गुड टीचर इज समवन हु इज अ लर्नर हरसेल्फ, कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो स्वयं को हमेशा एक शिक्षार्थी समझता हो, एक लर्नर समझता हो और हमेशा चीजों को, नई नई चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस हो। एक अच्छा टीचर हम उसको भी कहते हैं। अ गुड टीचर वन हु हैज नो बायस एंड नो फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा शिक्षक वो है जिसका कोई पूर्वाग्रह ना हो कि ये बच्चा ऐसा है ऐसा है, कोई पूर्वाग्रह ना हो, कोई निश्चित दृष्टिकोण ना हो, बल्कि जो उसके जिसके माइंड में क्या हो, चेंज लाना, कि बच्चों के बिहेव में चेंज लाए, बच्चों के एटीट्यूड में चेंज लाए, सभी बच्चों को एक जैसा समझे और हमेशा कोशिश करे कि बच्चों को कुछ नया सिखाना है, बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, बच्चों के साथ प्यार से रहना है। तो एक अच्छा शिक्षक ऐसा होना चाहिए। अ गुड टीचर इज हु लाइक टू वर्क विद चिल्ड्रन, कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों के साथ काम करके बहुत खुश होता है, अपने काम को ही उसका काम जो उसकी टीचिंग है वही उसकी खुशी हो, और जो बच्चों के साथ काम करता हो और उसको काम करना बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता हो। अ गुड टीचर इज हु इंजॉइंग टीचिंग, जो अपने टीचिंग से, जो अपने काम से प्यार करे, एक अच्छा शिक्षक वो है, इसको कोई बोझ ना समझे बल्कि जो टीचिंग उसको खुशी दे ताकि वो दिल से पढ़ाए, किसी दबाव में ना पड़े। अ गुड टीचर इज हु हैज टू बी पेशेंस, कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जिसमें धैर्य, जिसमें पेशेंस हो, जो बच्चों को उनकी गलतियों पे भी माफ कर दे, जो हाइपर ना हो, जो हर सिचुएशन में एक जैसा जिसका बिहेव। तो एक टीचर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और आप सबके लिए भी है कि आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अ गुड टीचर इज हु वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड, कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो अपने शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सदैव प्रयास रहता है। उसको अगर लगे कि नहीं, इस तरीके से आज जो मैंने पढ़ाया बच्चों ने ठीक से नहीं समझा, तो कोई बात नहीं, मैं किसी और अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि बच्चों को अगले दिन और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो जो सदैव अपने टीचिंग मेथड में सुधार करता रहे, ठीक है, हु वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज टीचिंग मैथड्स। और एक अच्छा टीचर वो है जिसकी उसके सब्जेक्ट में, उसके विषय में मास्टरी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट्स हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि ये जो पॉइंट है हमें खुद इस तरह का जो मैंने जो चीजें हैं आपको खुद अपने अंदर लाना है, आपको खुद इस तरह की जो चीजें हैं आपको खुद अपने अंदर लानी है, और आपको इस तरह का एक ऐसा शिक्षक बनना है, एक ऐसा एग्जाम्पल आपको खुद बनकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे आपका एग्जाम्पल दें कि हमारे शिक्षक इतने अच्छे हैं कि अगर हम उनको कुछ बोल भी देते हैं तब भी वो प्यार से ही हमसे बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते या डांटते नहीं है या मारते नहीं है। तो आप सबको भी फ्यूचर में एक ऐसा टीचर बनना है। और टू बी अ गुड टीचर इट इज फंडामेंटल, कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि टू फील लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह महसूस करें, टू थिंक लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह सोचें, टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह व्यवहार या अभिनय करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बच्चों की तरह क्यों, तो आप इस समझिए कि अगर हम एक एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम अपने हिसाब से सोचने लगेंगे, और बच्चे का सोच समझ का लेवल अलग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके लेवल अलग है, तो हमें अगर एक बच्चे को पढ़ाना है तो हमें एक बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा, उसके स्तर के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकते हैं।
एक बच्चों की तरह सोचें कि जैसे एक बच्चा है, जब उसको कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चा भी सोचता है ना कि अगर मेरे टीचर अगर इस तरह से पढ़ाता तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकता था। तो एक बच्चे की तरह सोचना है, और टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड, कि आप छोटी कक्षाओं में देखो तो टीचर जो है, अगर आप बच्चों में इन्वॉल्व नहीं होगे तो आप बच्चों को ठीक से नहीं सिखा सकते। और बच्चों के बीच में इन्वॉल्व होने के लिए आपको भी बच्चे की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, ताकि बच्चे आपसे घुल मिल जाए और आपका क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आप अपने क्लासरूम का बना सको। तो कुछ चीजें हैं कि बच्चों की तरह महसूस करें, बच्चों की तरह सोचें और बच्चों की तरह व्यवहार करें, ताकि आप बच्चों को सही से, उनको और अच्छे से जान सकें, उनको और अच्छे से सिखा सकें, और आपके अंदर की जो हेजिटेशन है जितनी जल्दी खत्म होगी, आप बच्चों के साथ उतना घुल मिल सकते हैं और आप उतना ही उनको अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो लेक्चर किसी एग्जाम के पर्पज से तैयार नहीं किया गया है, स्पेशली मैंने आप सबके लिए बनाया है, क्योंकि फ्यूचर में आप सबको टीचिंग में जाना है। तो हम अपने काम को किस तरह से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हम और अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, खुद को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ना देकर हम खुद कैसे हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, हमें इस बारे में सोचना होगा, ताकि हम फ्यूचर में एक सिर्फ टीचर नहीं, एक अच्छे टीचर हम बन सकें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।